आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम। मैं रविराज बौद्ध गाजीपुर यूपी से एक बार पुनः दूसरी वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आप सभी के बीच में। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो आप मेरी पहली वीडियो देख लीजिए जा करके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आप ज़रूर देखिए। लेकिन इस वीडियो को आइए ध्यान से देखिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा साथियों, शेयर ज़रूर करिएगा। चारों तरफ एक ही बात, एक ही घटना, एक ही चर्चा, सोशल मीडिया पे, मनो मीडिया पे नहीं, इंटरनेशनल मीडिया पे नहीं, नेशनल मीडिया पे नहीं, केवल सोशल मीडिया पे ये घटना है, मनीषा हत्याकांड, मनीषा बलात्कार कांड, अत्याचारियों को फांसी दो, दरिंदों को फांसी दो, हमें न्याय चाहिए, चारों तरफ यही बातें चल रही हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग कर रहे हैं प्रदर्शन। लेकिन क्या आप लोगों ने कभी सोचा है कि चोरी सबसे ज्यादा, हत्या सबसे ज्यादा, हत्याएं और सबसे ज्यादा रेप जो हुए हैं, हो रहे हैं, होते हैं, वो बहुजन समाज के ऊपर ही क्यों होते हैं? बहुजन समाज की लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? दलित समाज के साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैं दलित समाज तो नहीं कहता, लेकिन कहना पड़ता है, मजबूरी है। बहुजन समाज कहूंगा तो आप लोग बस बहुजन का मतलब चमारे समझेंगे, लेकिन बहुजन का मतलब पूरे 85% के लोग। सबसे ज्यादा यादव मारे गए, ये आप लोग जानते हैं, वो भी दलित हैं। तो ये सारी घटनाएं सबसे ज्यादा बहुजन के ऊपर ही क्यों हो रही हैं, ये मैं बताता हूं आपको। मैं बताता हूं कि सारी घटनाएं बहुजन समाज के ही ऊपर क्यों होती हैं, दलित समाज के ही ऊपर क्यों होती हैं। सारे अत्याचार, हत्याएं, रेप, बलात्कार, बहनों के साथ छेड़खानी, छात्रों के साथ जातिवाद क्यों होता है सबसे ज्यादा, मैं बता रहा हूं। आप लोग इस बात को जानने का प्रयास करिए। अत्याचारियों को, उन दरिंदों को पता है, बलात्कारियों को पता होता है ये बात, बहुत अच्छे से पता होता है कि हम इनके समाज के ऊपर अत्याचार करेंगे तो इनके समाज के जो लोग हमसे लड़ने के लायक हैं वो तो सामने आएंगे नहीं मैदान में, आएंगे वही जो हमसे लड़ने के लायक नहीं है। अर्थात जो लोग लड़ना चाहते हैं वो हमसे लड़ने के लायक नहीं है, और जो लोग हमसे लड़ने के लायक हैं वो बहुजन समाज की तरफ से लड़ना नहीं चाहते हैं। ये बात उनको बहुत अच्छे से पता है, इसलिए ये लोग खुलेआम अत्याचार करते हैं। यही कमी जिस दिन हमारे समाज से सुधर जाएगी उस दिन अत्याचार बंद हो जाएंगे हमारे समाज के ऊपर। यही कमी जो मैं बता रहा हूं, जो लोग उनसे लड़ने के लायक हैं वो लोग मैदान में उतरते नहीं हैं, उनको इन सब से कोई लेना देना नहीं है, किसी के साथ कुछ भी हो। और मैदान में जो उतरते हैं लड़ने के लिए हिम्मत लेकर के, हौसला लेकर के, वो उनसे लड़ने के लायक नहीं है, उनसे बराबरी करने की उनकी औकात नहीं होती है, वो बेचारे करें तो क्या करें। यही सबसे बड़ी कमी है, इस कमी को सुधारना होगा। एक एक करके सबकी बारी आएगी। एक और बहुत जरूरी बात, जब आसिफा कांड हुआ था, जब उस मासूम बच्ची का रेप हुआ था, तो पूरा बहुजन समाज खड़ा था, सारे लोग उसके साथ खड़े थे, इंसाफ के लिए खड़े थे। लेकिन आज अफसोस की बात है, मैंने सोशल मीडिया पे किसी मुस्लिम भाई को, जिनको हम अपना भाई मानते हैं, कोई भाई सामने नहीं आया है, पोस्ट किया है ना, कोई ट्वीट किया है ना, कोई सामने रोड पे उतरा है ना, कोई विरोध प्रदर्शन किया है। सोचने वाली बात है, हम संस्कृति के भी साथ थे, हम निर्भया के भी साथ थे, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे साथ कोई नहीं है, बस एक जाति विशेष बस देखा जा रहा है, वाल्मीकि समाज, चमार समाज, एससी समाज, एसटी समाज। ओबीसी हमारा साथ दे, सपोर्ट करे, सबकी बारी आएगी, या तो समाज मरता है तो हम लोग साथ होते हैं, सबको मिल करके लड़ना होगा, ये सरकार सुनने वाली नहीं है ऐसी। दूसरी बात, आप लोग कहते हैं कि मीडिया बिक गई है, मीडिया बिक गई है, मीडिया बिक गई है, बिल्कुल मीडिया नहीं बिकी है, मैं इस बात को नहीं मानता, मीडिया बिकी नहीं है, मीडिया उन्हीं की है, मीडिया में वही लोग हैं, उनके ही लोग हैं, मीडिया उन्हीं की है, तो बिकने वाली इसमें बात कहाँ से आ गई है। भोजपुरी में कहावत है कि अपन हसुआ अपने और खींची, तो उनको पैसा तो नहीं मिलता है, उनको कोई पैसा नहीं मिलता है, बल्कि वो अब उन्हीं के लोग हैं, बैठे हैं, तो दिखाएंगे किसकी, आपकी थोड़े ना दिखाएंगे, अपनी ही दिखाएंगे,
जब सुशांत सिंह राजपूत मरे थे तो याद है आप लोगों को ना, सारे मीडिया वालों को एकदम, और जितने बॉलीवुड के ये नेता, ये अभिनेता और अभिनेत्री हैं, सारे लोग आ गए थे खिलाफ में। कोई भी इनका फिल्म ना देखने जाए हमारे समाज के लोग। कौन बोला है? किसी ने बोला? इसी मामले में नहीं, किसी भी मामले में हमारे समाज के ऊपर अत्याचार होता है तो कोई आता है, बस नाम के हीरो हैं लोग, फिल्म में बस करेंगे फाइटिंग और दिखाएंगे हम ये हैं देश के लिए, वो करते हैं हम ये करते हैं, फिल्म में बस दिखाएंगे हम हीरो हैं। कोई सामने, कोई इनकी कोई फिल्म देखने ना जाए। ये लोग करोड़ों रुपया रखे हैं, कमाते हैं हम लोगों से, आवाज उठा नहीं सकते हमारे समाज की। हमारे समाज के भी उसमें एक्टर हैं, ऐसी बात नहीं है कुछ, लेकिन कोई लड़ने वाला नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत मरा था तो ये बहुत बड़ी खबर हो गई थी, आत्महत्या किया था तो, उसने आत्महत्या किया तो इतनी बड़ी खबर हो गई थी, और एक बहन को दरिंदों ने मार दिया रेप करके बहुत बुरी तरह से, ये कोई खबर नहीं है इस मीडिया के लिए, बिकाऊ दलाल भड़वे मीडिया के लिए, और इस सरकार के लिए, गूंगी बहरी अंधी सरकार के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। ये तो हम धन्यवाद करते हैं इन 4G मोबाइल का, सिम का, जो हमारे साथी युवा क्रांतिकारी भाई लोग, हमारे समाज के लोग हर एक खबर को इस मीडिया के माध्यम से, अपने फोन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अफसोस पैसे से कमजोर हैं। और जो पैसे से लड़ने वाले हैं, जो अच्छा वकील करके इस केस को लड़ सकते हैं, वो चुपचाप AC में बैठे हैं, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत गंभीर मुद्दा है, मैं कितना बात करूं आप लोगों से, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बस आप लोग इस बात को शेयर करिए, समझने का प्रयास करिए, मेरा बताने का मतलब यही था, इस वीडियो को बनाने का मतलब, कि ये लोग अत्याचार इसीलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो हमसे लड़ने के लायक है, जो हमसे लड़ के जीत सकता है, वो मैदान में उतरेगा नहीं, और जो मैदान में उतरता है उसको हम हरा देंगे, उसकी औकात नहीं है, यही बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी वीडियो को पूरा देखा, आगे शेयर करें। क्रांतिकारी जय भीम।